Good morning, students. Hope all of you are safe. Today we start our new topic, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का मानव हृदय की आंतरिक संरचना. कल हमारे वीडियो में हमने मानव हृदय की बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन किया था. बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है कि आंतरिक संरचना के अंदर बहुत सारे निलय और आलिंद के बीच में कपाट या पट पाए जाते हैं, जिसके द्वारा जो होता है रक्त का आवागमन जो होता है आलिंद से निलय और निलय से आलिंद में होने से शुद्ध अशुद्ध और शुद्ध रुधिर को मिलने के लिए रोका जा सकता है. तो अभी हम बात करते हैं कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना कैसी होती है. जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, पहले मैं डायग्राम से बता देती हूँ कि आंतरिक हृदय की जो संरचना है, हमारे मुख्य रूप से हृदय चार भागों चार कोष्ठकों में विभाजित होता है. ऊपरी वाले भाग जो होते हैं वो आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले भाग जो होते हैं वो निलय कहलाते हैं. यानी दो आलिंद और दो निलय हमारे इसमें पाए जाते हैं. जो हमारा दाया वाला भाग है उसमें जो आलिंद होगा वो दाया आलिंद कहलाएगा और बाएं भाग में जो आलिंद होगा वो बाया आलिंद कहलाएगा. इसी तरह से दाएं भाग में जो निलय होगा वो दाया निलय कहलाता है, बाएं भाग में जो निलय होता है वो बाया निलय कहलाता है. नीचे की तरफ एक तो निम्न महाशिरा उपस्थित होती है और एक महाधमनी उपस्थित होती है. ऊपर बहुशीर्ष धमनी, ये वाली बहुशीर्ष धमनी पाई जाती है जो की मुख्य धमनियों में से है, और बाएं सार्वग्रीवा धमनी पाई जाती है और बाएं अधोरज्जुक धमनी पाई जाती है. बीच में जो होती है वो बाएं महाधमनी होती है जो कि रक्त को जो होता है निलय में वापस आने से रोकने का, निलय से निकली हुई होती है और वापस से रुधिर को प्रवाह होने का से रोकती है. ये वाला भाग जो है इसका बीच वाला ये अग्र अनुपथेले सेल्कस कहलाता है. मुख्य मुख्य संरचना में इसके अंदर जो होते हैं त्रिवर्णी कपाट पाया जाता है और एक द्विवर्णी कपाट भी इसमें पाया जाता है. अब हम बात करते हैं इसकी विशेषता की. सबसे पहले चीज, मानव हृदय में चार कक्ष होते हैं, दो आलिंद और दो निलय. ऊपरी वाले जो भाग है आलिंद और नीचे वाला भाग जो है वो कौन सा हो गया, निलय हो गया. थर्ड चीज, आलिंद और निलय के मध्य एक द्वार होता है जिसे हम आलिंद निलय द्वार या कोरोनरी सेल्कस कहते हैं. आलिंद और निलय के बीच में, आलिंद है आपका और ये निलय है आपका, आलिंद और निलय के बीच में एक द्वार पाया जाता है जिसे हम कोरोनरी सेल्कस द्वार कहते हैं, कोरोनरी सेल्कस या आलिंद निलय द्वार कहते हैं. चार कक्ष जो होते हैं वो पटों में कपाटों के द्वारा पृथक पृथक होते हैं. यानी बीच बीच में इन कक्षों के बीच बीच में बहुत सारे पट, जैसे कि ये कपाट है, कहीं पर पट है, सेप्टम, इस तरह से छिद्र बने हुए हैं. ये पट या कपाट जो होते हैं वो इनको अलग अलग रखने का काम करते हैं. नेक्स्ट, दाएं में बाएं आलिंद के मध्य अंतर आलिंद पट पाया जाता है. दाएं और बाएं आलिंद, दाएं आलिंद का है आपका ये और बाएं आलिंद भी है. इसके बीच में जो पट उपस्थित होगा वो पट कौन सा कहलाएगा, अंतर आलिंद पट कहलाता है. आलिंद के मध्य में है तो अंतर आलिंद पट हो गया. नेक्स्ट, दाएं में बाएं निलय पर अंतर निलय पट पाया जाता है. दाएं और बाएं निलय पर कौन सा पट पाया जाता है, अंतर निलय पट पाया जाता है. आलिंद पर अंतर आलिंद पट और निलय पर अंतर निलय पट पाया जाता है. अब है जो अंतर आलिंद पट होता है उसमें अंडाकार गर्त होता है जिसे अंडाकार खत कहा जाता है. यानी इसके अंदर एक अंडाकार गर्त उपस्थित होते, गर्त कह सकते खांच की तरह होती संरचना, और उस खांच को अंतर अंडाकार खात कहते हैं या खांच भी आप कह सकते हो. आलिंद निलय के मध्य आलिंद निलय पट पाए जाते हैं जो कपाट के द्वारा सुरक्षित रहते हैं. देखिए आलिंद और निलय, अभी हमने दोनों आलिंद और दोनों निलय के बीच में पढ़ा था, अब हम बात करें आलिंद और निलय के बीच में जो पट पाया जाता है उसे हम कहते हैं आलिंद निलय पट. ये पट जो होते हैं वो कपाट के द्वारा सुरक्षित रहते हैं. इस कपाट से क्या होता है कि यदि रुधिर रक्त आलिंद में है तो वो वापस जो होता है निलय में जाने से उसको रोकता है. निलय से आलिंद में रुधिर का प्रवाह नहीं रोकता है, यानी निलय के अंदर यदि रक्त है तो निलय से आलिंद में उसका प्रवाह रोकता है. नेक्स्ट इज, बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच में द्विवलनी या मृतिल कपाट पाया जाता है. बाएं आलिंद कहाँ है आपका, बाएं आलिंद और बाएं निलय, इसके बीच में जो कपाट उपस्थित होगा उसे हम द्विवलन या मृतिल कपाट कहते हैं.
दाएं आलिंद में दाएं निलय के बीच में लिखा हुआ है, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो कपाट पाया जाता है उसे हम त्रिवर्णीय कपाट, त्रिवलन कपाट कहते हैं। नेक्स्ट, फुफ्फुसी में महादव ने कांडों के अंदर तीन तीन कपाट जो रुधिर को निलय में आने से रोकते हैं। फुफ्फुसी में महादव ने कांडों के अंदर जो होते हैं ये मिश्र की महाधमनी है, ठीक है, और इसी तरह से फुफ्फुसीय जो धमनी होती है, अधोरजुग धमनी, ग्रीवा धमनी, इस तरह से जो धमनी उपस्थित होती है फुफ्फुसीय महाधमनी, ये क्या करती है, इसका मुख्य काम होता है कि जो रुधिर को आलिंद में जो रुधिर है उसको निलय में आने से रोकने का काम करती है। महाशिरा में फुफ्फुसीय शिरा जो होती है, महाशिरा और फुफ्फुसीय शिरा, उधर महाशिरा है, ये फुफ्फुसीय शिराएं हैं, तो जो होती है महाशिरा फुफ्फुसीय शिराएं जो होती है पेशीय बलों की बनी हुई होती है, और ये पेशीय जो होती है वो पैपिलरी पेशियों की बनी हुई होती है। पेशी वाले में क्या होती है, कौन सी पेशियां हो गई, पैपिलरी पेशियों की उपस्थिति होती है। ये पैपिलरी पेशियां जो होती है वो निलय में से जो होती है जो शिराओं में जो रुधिर आ गया उसको वापस जो होता है निलय में जाने से रोकने का काम करती है। तो ये क्या है, हृदय की आंतरिक संरचना के मुख्य मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं इस बारे में आपने पढ़ा है। आगे कल हम उसकी कि कौन सा रुधिर का प्रवाह किस प्रकार होता है, अशुद्ध रुधिर और शुद्ध रुधिर कौन कौन सी धमनियों कौन कौन सी शिराओं में उपस्थित होता है इस बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।